वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद है सुंदर जमील, और हमारे साथ इस वक्त जो पर्सनालिटी मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा दूं, डॉक्टर फायजा असगर, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, इसके अलावा चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, यूएस ट्रेंड हैं, डिप्लोमेट हैं अमेरिकन बोर्ड ऑफ पेडियाट्रिक्स और चेयरपर्सन इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो। डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। और भाई जागो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और नाजिन को वालेकुम बताते अस्सलाम। चले, हम पॉलिटिक्स के हवाले से डॉक्टर साहब से कोई बात नहीं करेंगे आज। हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों में बुखार के हवाले से बात करेंगे। ख्वातीन या माएँ जो होती हैं, या इवन जो वालदैन फादर्स भी जो होते हैं, वो बड़े परेशान हो जाते हैं जब बच्चे को बुखार हो जाए, पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से, एंड देन यू कैन कॉल इन एज वेल। जी डॉक्टर साहब, कॉमन बुखार मतलब जिस तरह बच्चे को होता है, उसकी क्या अलामत होती हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। दूसरा ये है कि सबसे पहले तो ये देखें ना कि बुखार होता क्या है। अल्लाह सुबहाना ताला ने हमारा जो जिस्म बनाया है तो इसको एक नॉर्मल तरीके से मेंटेन करने के लिए एक फिक्स्ड टेम्परेचर है, ठीक है, हरारत जो अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर रख दी हुई है। ठीक है। और ये हरारत जो जिस्म के अंदर है, ये हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो इसको रेगुलेट करता है। जो हमारे जिस्म है, ये इतना बड़ा मिरेकल जो है ना, ये दुनिया में कोई नहीं है। आप ये देखें कि एक जर्म अंदर आता है, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के वो सफ़ेद जो सेल्स होते हैं उनको ब्लड में पता होता है कि उन्होंने इससे लड़ना व्हाइट है। ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जी, उसमें मैक्रोफेजेस होते हैं, और वो फिर जब इनको लड़ते हैं, साथ साथ वो एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो एक एंजाइम्स टाइप चीज़ होती है। वो जो है वो जाती है और वो ब्रेन तो को फ़ौरन बताती है कि जी इन्फेक्शन यहाँ पर शुरू हुआ हुआ है। और ब्रेन जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज़ करता है, और वो जो सेट टेम्परेचर होता है ना, पॉइंट कि जी 98.6 टेम्परेचर होना है, उसकी वो सेटिंग थोड़ी सी हाई कर देता है ठीक ब्रेन, है। ताकि उस लेवल पे उन जरासीम से लड़ना जिस्म के लिए ज़्यादा इजी होता है इसलिए और बुखार हो जाता इसलिए है। बुखार होता है। अब आप ये देखें कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हाँ। हैं उनका ज़रा डिफरेंट होता है। कई दफ़ा इतना सिवियर इन्फेक्शन होता है कि बॉडी की एबिलिटी बुखार प्रोड्यूस करने की भी ख़त्म हो जाती है, और बच्चों का टेम्परेचर कम हो जाता है, 95-90 इस तरह आ जाता है, और वो फिर इन्फेक्शन से जो है वो लड़ भी नहीं पर सकते। ये तो बड़ा डेंजरस है कि एक बच्चा पैदा हो, उसको बुखार हो जाए, क्योंकि वो तो नन्ही सी जान है, वो किस तरह उसकी बॉडी करेगी, ऑब्वियसली जरासीम से लड़ेगी। इस हवाले से बात करते हैं, कॉलर को पहले शामिल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं सियालकोट से शौकत अली बोल रहा हूँ। सुबह बखैर जी, क्या कहना चाहेंगे? आप सुबह सबको सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत सलाम। डॉक्टर साहब ने फरमाया बुखार अल्लाह ताला के नेम होता है, ठीक है, जिसम से वो चल जाता है, एक बुखार वो भी चढ़ता है। डॉक्टर साहब भी सामने है, बात ये है जो बच्चे हैं छोटी मोटी आजकल वो चीजें हैं, पापलेट और सुपारी, इन हाँ। चीजों से डॉक्टर साहब से गुजारिश है, ये ऐलान करते हैं बच्चों को ना देखने, वालदेन से सख्ती करे बच्चों से निपटे, ये सुपारी केमिकल होता है, कुछ होता है, इनसे ये जरूर बात कर दे, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा और अहम सवाल इन्होंने किया कि ये जो जंक फूड, सुपारियां, च्युइंगम्स, टॉफीज बाहर से खा रहे होते हैं, बिल्कुल, उससे भी तो बुखार होता है। अब देखिए, नहीं, उनसे डायरेक्टली बुखार नहीं होता। बात ये ना कि जैसे हमें तो हमारे दीन ने बता दिया हुआ है कि जो सफाई है वो निस्फ इस्लाम है, और कुरान में आप पढ़ें तो हर जगह लिखा हुआ है कि आप तैयब चीजें खाइए, और तैयब का मतलब है कि पाक, प्योर, साफ, जो गली सड़ी हुई ना हो। तो ये अगर आप एक वो अपना रूल रखें कि कोई भी ऐसी चीज़ जो गली सड़ी ना हो, और अगर कोई भी चीज़ गंदी नज़र आ रही है, उसके ऊपर मिट्टी है या उसके ऊपर मक्खियाँ बैठी हुई हैं, या वो किसी तरीके से बिल्कुल प्योर या साफ़ नहीं लग रही, तो चाहे वो च्युइंगम हो या चाहे वो फल हो या अंगूर हो या जो भी चीज़ हो, वो चीज़ों की पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है कि अच्छी लगती है। वो लेकिन यही है कि उसके अंदर कई दफ़ा आपने ये भी देखना है कि कौन सी फैक्ट्रीज में वो बनी हुई है, कहाँ पर वो बनी हुई है। तो अगर एक वो प्रॉपर फैक्ट्री की प्रॉपर पैकिंग के अंदर चीज़ है, तो उम्मीद तो है कि वो अंदर से ठीक होगी। लेकिन उसका फिर एक दूसरा आ जाता है कि न्यूट्रिशनली उसका कोई फ़ायदा भी है खाने का या नहीं खाने का। बच्चे वो चीजें खाते रहते हैं और उसके बाद उनको पेरेंट्स कंप्लेन करते रहते हैं कि भूख नहीं लगती। कई मतलब बच्चों में ये होता है कि बुखार चढ़ता है लेकिन दिन में ठीक होते हैं, रात में चढ़ता है, फिर सुबह उतर जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है पूरा दिन, फिर इसकी क्या वजह है? मतलब अगर बुखार है तो कंसिस्टेंट होना चाहिए ना? कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जिनके अंदर खास जो है वो टेम्परेचर की एक वेरिएशन होती है कि वो सुबह के वक्त कम होता है और शाम के वक्त ज्यादा राइज हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं यहाँ पे सवाल करना चाहूंगी कि ये पता लगाने के लिए कि बच्चे को कितना फीवर है, सही तरीका क्या है, कितनी देर थर्मोमीटर को मुंह में रखना पड़ता है? देखिए, बच्चों में सबसे बेस्ट है कि थर्मोमीटर को मुंह में ना रखा जाए, ठीक है, क्योंकि अव्वल तो वो चबा सकते हैं, जुबान के नीचे वो रख नहीं सकते प्रॉपरली, तो बहुत ही बाजू के नीचे जी, बहुत ही अच्छे थर्मोमीटर्स अवेलेबल बच्चों में, आप जो है वो बाजू के नीचे जो है वो थर्मामीटर रख सकते हैं। अब आप देखें, बाय माउथ जो आप टेम्परेचर लेते हैं वो अगर आपका 98.6 है, ठीक है, या आपका 37 डिग्रीज है, तो जब बगल के नीचे लेंगे तो आपने याद रखना है कि वो मुंह के टेम्परेचर से आधी डिग्री कम होगा, ठीक। तो
और वो नॉर्मल होगा। तो अगर आपने 98.6 बाय माउथ लिया है, तो अगर आपका 98 है अंडर आर्म, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 98 बाय 6 बाय माउथ। और अगर आप रेक्टल टेम्परेचर लेंगे तो वो 1 डिग्री ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर बाय माउथ आपका 98.6 है या 37 डिग्रीज है, तो रेक्टल जो होगा वो 99.6 होगा और उस तरह होगा आपका वो 37.4 या 30। लेट्स से मुझे है जी, तो किसी छोटे बच्चे को उस वजह से हो सकता है? देखिए, बुखार कंटेजियस नहीं होता, जो डिजीज है जो बुखार को कॉज करिए वो कंटेजियस हो सकती है, क्योंकि बुखार आपको खांसी की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से गले में हो सकता है, मीजल मम्स ये चीजें होती हैं, चिकन पॉक्स, वो सब चीजें कंटेजियस होती हैं। अब कितना बुखार होना है डिपेंड करता है कि आपको वायरस कितना आपके अंदर गया है। बुखार की एक चीज मैंने कहनी थी कि बच्चों को लिक्विड जरूर पिलाएं, पानी और जो है ना पीने की चीजें, क्योंकि बुखार में भूख कम होती है, और आप फोर्स ना करें उनको फीडिंग, लेकिन क्योंकि इवेपोरेशन होती है और फीवर कम होता है, तो वो जितना पसीना होता है उतना लिक्विड जिस्म से निकल जाता है, तो लिक्विड्स को रिप्लेस करना, उनको लिक्विड दीजिए, उनको आप जूस दीजिए, उनको आप पानी दें, उनको आप ORS का दें अगर सीना ज्यादा आ रहे हैं, तो ये चीजें आप। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, और डॉक्टर साहब जो है इंशाल्लाह इन्हें हम फिर इनवाइट करेंगे और मजीद टॉपिक्स पे बात करेंगे। आपको ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब ब्रेक लेते हैं। जागो 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 जागो